इन समस्याओं को देख के आज आपने ज्ञापन किया है या क्या मांग की गई है? ये जो हमारा सीजन का लास्ट हुआ है और ये 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सभी फोटोग्राफर भाइयों की कमर टूट गई है व्यापार की तरफ से। क्या है कि अब कैमरे फाइनेंस करवाए हैं, जिनका पेमेंट, जिनकी ईएमआई देना है, प्लस बच्चों की फीस है स्कूल की, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम क्योंकि हम लोगों के पास कोई पीला कार्ड तो है नहीं, आधार कार्ड या वो राशन कार्ड बीपीएल वाला, जिसके कारण हमारे को बहुत सारी समस्या आ रही है, परिवार पालने में दिक्कत जा रही है, आगे भविष्य में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, कैसे हम अपना घर चलाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम अपने पारिवारिक परिस्थिति को संभालेंगे। क्या मांग की गई है ज्ञापन? और सरकार से चाहते हैं जो भी उचित व्यवस्था दूसरों के लिए कर रही हैं वो हमारे लिए भी करें। सिवनी मालवा फोटोग्राफर एसोसिएशन अध्यक्ष के नाते मेरे समस्त फोटोग्राफर जो सिवनी मालवा ब्लॉक में हैं, आज जो स्थिति रही कि हमारा पूरा सीजन लॉकडाउन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, क्योंकि बहुत से फोटोग्राफर उन्होंने बैंक लोन से कैमरे उठाए हैं, उस कैमरों की किस्त देने की लायक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा साल भर का सीज़न गर्मी में ही रहता है, और इसलिए हमने SDM साहब और कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि हमारा कुछ ऐसा सहयोग किया जाए जिससे कि हम लोगों की थोड़ी सी व्यवस्था जम जाए और हमारी रोजी रोटी के लिए सहयोग हो जाए।